दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर। टीम के स्टार बल्लेबाज यानी विराट कोहली ने लिया सीरीज से अपना नाम। अब भारत छोड़कर अपने परिवार के साथ विदेश में बसने के लिए तैयार हैं विराट। तो आखिर अचानक क्यों अब देश छोड़ने वाले हैं विराट कोहली? क्या सच में कोहली श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नहीं आएंगे नजर? क्या है उनकी मजबूरी? सब कुछ तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 27 जुलाई को पहले T20 के साथ होगी। श्रीलंका में टीम इंडिया 12 दिन में कुल 6 मैच खेलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा, फिर दूसरा T20 मैच अगले दिन यानी 28 जुलाई को और तीसरा व अंतिम T20 मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। T20 सीरीज के सभी मैच पल्ले केले में खेले जाएंगे। T20 सीरीज के बाद 2 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त और तीसरा व अंतिम मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। वनडे सीरीज सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है। T20 के लिए नई टीम बनाई गई है जिनकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। तो वहीं वनडे में रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ चैंपियंस खिलाड़ियों की भी टीम में वापसी हुई है। विराट कोहली से लेकर मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर की निगरानी में हुआ है, यानी कि भारतीय टीम और BCCI दोनों इसको खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अचानक भारतीय टीम के लिए एक दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में मातम फैल गया। खबरों के मुताबिक भारतीय टीम का स्टार बल्लेबाज श्रीलंका सीरीज में अपने नाम वापस ले लिया है, जिससे टीम इंडिया की मुश्किलें इस सीरीज में बढ़ सकती हैं। जी हाँ, ये कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के किंग यानी विराट कोहली हैं। विराट ने अपने नाम इस सीरीज में पर्सनल कारण बताते हुए वापस ले लिया है। ये तो आपको भी पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप जीतते ही विराट कोहली भारत आकर तुरंत उन्होंने विदेश की फ्लाइट पकड़ ली, क्योंकि उनकी पत्नी अनुष्का और बच्चे विदेश में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं, जिसके कारण कोहली भी अपने परिवार के साथ विदेश चले गए और वो चाहते हैं कि अभी उनकी छुट्टी और बढ़ाई जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम श्रीलंका सीरीज से वापस लिया है। लेकिन ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। खबरों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि विराट की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, वरना वो इस सीरीज में जरूर खेलते हुए नजर आ सकते थे। विराट के होने से भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आती है, क्योंकि वो अकेले दम पर टीम इंडिया को संभालते हुए लेकर चलते हैं और इसका नतीजा तो अपने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में देखा ही होगा, जिस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी से भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, श्रीलंका सीरीज में विराट कोहली को खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।